हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, और नहीं भी ठीक होंगे तब भी हम हैं ना। मैं फिर से डॉक्टर जी के शर्मा, हम बात करेंगे आज सर्वाइकल पेन के बारे में। सर्वाइकल पेन क्यों होता है, लक्षण क्या है, कारण क्यों है, इलाज क्या है, फिजियोथेरेपी उपाय क्या है, ठीक है। आज हम वीडियो में बात करेंगे। कृपया अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सर्वाइकल पेन है क्या, ठीक है। इसके लक्षण जानेंगे, उपचार जानेंगे, दवा और इलाज जानेंगे, फिजियोथेरेपी जानेंगे। इन दिनों ऐसी कई बीमारियां हैं जो कुछ साल पहले तक ये बीमारियां थी ही नहीं, बीमारियों की श्रेणी में आती ही नहीं थी, ठीक है, बीमारी गिनती में आती ही नहीं थी, जो अब बड़ी तकलीफ बनकर खड़ी हो जाती है, खड़ी हो रही है। जी हाँ, जैसे ज्वाइंट पेन, बैक पेन, सर्वाइकल पेन जैसे समस्याएं ऐसी दर्दनाक होती जा रही है, जिससे देखने वाला समझ नहीं पाता और झेलने वाला बता भी नहीं पाता, इस दर्द को बयां भी नहीं कर सकता। ये समस्याएं आम तो नहीं है, ठीक है, पर सिर्फ उनके लिए हर एक पल काटना इतना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, भारी हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसी वीडियो में बताएंगे इन्हीं बीमारी के बारे में, ठीक है, एक सर्वाइकल पेन के बारे में बात करेंगे। सर्वाइकल पेन है, यह समस्या हड्डियों से जुड़ी है। जी हाँ, ये समस्या हड्डियों से जुड़ी है, जिसके होने पर कंधों, गर्दन आदि में गंभीर दर्द होता है। जो सर्वाइकल हुआ होगा वो समझते होंगे, उनके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अपनी बीमारी के बारे में जान सकेंगे कि बीमारी हमको है क्या एक्चुअल, ठीक है, उनके लिए बहुत है। अगर जिसको नहीं भी है तो वो भी जाने सर्वाइकल होता क्या है, इसके प्रिकॉशन, इसके उपाय क्या है, ठीक है। यह समस्या किसी को भी हो सकता है। आज के दौर में अनियमित दिनचर्या के कारण लगभग हर तीसरे व्यक्ति को सर्वाइकल की परेशानियां सहनी पड़ रही है, ठीक है। घंटों बैठे रहना, खराब मुद्रा में बैठना, झुक कर बैठना, या बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं तो पीछे तकिए ढेर सारा लगा कर बैठ रहे हैं तो हमारे स्पाइन इसे घूम जाती है, घुमा हो जाती है, ठीक है। ये गलत आदत है, ठीक है, गलत आदतों से परेशानी का समस्या हो रहा है, परेशानी का समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी तादाद में लोगों को इस परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, पर हमें अपनी आदतों या इससे बचने का उपाय नहीं मालूम होते हैं। इसलिए हम सभी को सर्वाइकल दर्द की वजह से लक्षण और इसके आसन, घरेलू उपाय, घरेलू उपचार और जानकारी होनी बहुत जरूरी है। आपको इस वीडियो में हम देंगे, ठीक है, अपने नॉर्मल अगर पेन हो रही है, ज़्यादा दूर का काम कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर कर रहे हैं, गलत पोजिशन में बैठे हैं, नॉर्मल पेन हो रही है तो हम फिर तभी बताएंगे, ठीक है। और सर्वाइकल पेन का मैं वीडियो बना रुका हूँ, ठीक है, इस वीडियो में मैं लिंक उसका दे दूंगा, आप उसको देख करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहले जानेंगे कि सर्वाइकल है क्या। सर्वाइकल पेन के कारण, जी हाँ, सर्वाइकल पेन के कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है। गलत पोजिशन में सोने से आपको सर्वाइकल पेन होने लगता है। ज़्यादातर लोगों को भारी वजन उठाने पे, जैसे सर में भारी वजन उठा लेते हैं, उनको सर्वाइकल पेन हो सकता है। गर्दन को बहुत देर तक झुकाए रखने से सर्वाइकल पेन हो जाता है। बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठने से सर्वाइकल पेन हो जाता है, शुरू हो जाता है। या ऊंचे और बड़े तकिए का उपयोग करने से सर्वाइकल पेन हो जाता है। और भारी वजन के, ठीक है, भारी वजन के हेलमेट डालकर बाइक राइडिंग करने से भी सर्वाइकल हो जाता है, ठीक है। बाइक चलाने से बैक पेन भी हो जाती है। गलत उठने और बैठने और सोने के तरीकों के कारण भी गर्दन में पेन हो सकता है, बैक पेन में दर्द हो सकता है, ठीक है। आज हम सिर्फ बात करें सर्वाइकल पेन के बारे में। सर्वाइकल पेन के लक्षण, जी हाँ, सर्वाइकल पेन के लक्षण क्या है। सिर में दर्द बना रहना, ठीक है, हल्का का पीछे की तरफ दर्द होना और हाथों में झुनझुने आना, ठीक है। कई बार होता है कि दर्द यहाँ ना होकर के हाथों में झुनझुने होता है, कई बार कोहनी में दर्द होते हैं, रेडिएट होता है, कभी यहाँ होता है, कभी इधर इस साइड में होता है, ठीक है। गर्दन को हिलाते हैं, गर्दन को इधर उधर मोड़ते हैं, हड्डियों को टिकने जैसी आवाज़ आती है, टिड़कने जैसी आवाज़ आती है, ठीक है, आवाज़ आना हो सकता है, ठीक है। ये समस्या होती है, जैसे हम गर्दन है सीधा बैठे हुए, जब ऐसे मोड़ेंगे कट से आवाज़ आएगी, इधर जाएंगे कट से करेंगे, पीछे करके जब ऐसे कट 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 के आवाज़ आएगी, ठीक है, ये सब कारण है। हाथ और बाजू और उंगलियों में झुंझुनी और कमजोरी, ठीक है, महसूस होना, सोनापन महसूस होना। व्यक्तियों के हाथ पैरों में कमजोरी के कारण चलने में समस्या होना और अपना संतुलन खो देना, ठीक है, गर्दन और कंधों पर अकड़न होना। दोस्तों, वैसे तो चिकित्सा विभाग के पास हर बीमारी का इलाज उपलब्ध होता है, ठीक है, पर अक्सर ये दवाएं हमें साइड इफेक्ट के तौर पे भी दूसरे बीमारियों को, ठीक है, बुलावा हो जाता है, न्योता मिल जाता है, ठीक है, दूसरे बीमारियों का बढ़ावा मिल जाता है या बढ़ावा दे देती है,
ठीक है, और साथ ही जेब पर भारी पड़ता है, ठीक है, भारी पड़ने का मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ जाता है, तब भी ठीक होता है, तो क्या करें, ठीक है, तो क्यों ना आप इससे घरेलू नुस्खों या फिजियोथेरेपी की आजमाइश करके अपने सहारे अपने आप इसको सर्वाइकल को ठीक करें और स्वस्थ रहें। ठीक है, जानेंगे गर्दन के दर्द के घरेलू उपाय। ठीक है, सही ढंग से सोएं। जी हाँ, सही ढंग से सोएं। अक्सर क्या होता है कि हम घर पे सोए रहते हैं तो मुलायम गद्दे तकिया, ठीक है, तकियों पर हम सोना पसंद करते हैं, मुलायम गद्दे तकिए पर, ठीक है, अक्सर ऊंचा करके हम सोना पसंद करते हैं, बहुत मुलायम गद्देदार पे, हाइट पे करके, पर यह सर्वाइकल पेन का कारण हो सकता है, इसलिए सख्त गद्दे पर हमेशा प्रयोग करें। ठीक है, सख्त गद्दे की हमेशा प्रयोग करें, ऊंची तकिया से दुश्मनी कर लें तो ही बेहतर है। अपना सिर जमीन तल पर रख कर सोए, जैसे कि उस पर वीडियो में दिख रहा है, इमेज में दिख रही है, जमीन पर रख कर सोने की आदत डालें, या ज़्यादा से ज़्यादा पीठ को 15 डिग्री तक मोड़ने वाले तकिए का प्रयोग करें, पेट के बल ना सोएं, ये गर्दन को फैलाता है, ठीक है, दर्द फैलाता है, बढ़ता है। ठीक है, कई बार होता है हम सो जाते हैं, ठीक है, तो पेन बढ़ जाती है, सुन हो जाता है, कभी झुंझुनी हो जाती है, ठीक है, तो पेट के बल ना सोएं, ये गर्दन को फैलाता है, पेट के बल या करवट लेटकर सोएं, इससे आपको गर्दन में राहत पाने में मदद मिलता है, यह मदद करेगा, और जिसे नहीं है वो बच सकते हैं इस वीडियो को देख करके। गर्म या ठंडा सा सेक करें। जी हाँ, गर्म या ठंडा सा सेक करें। दर्द कम करने के लिए गर्दन पर ठंडा या गर्म पदार्थ से सेकाई करें। जी हाँ, जैसे हॉट वाटर पैक, ठीक है, गर्दन पर बस चोट नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट वाली चोट जगह पर गर्म से नहीं करना है, ठीक है, अदरवाइज अगर पुरानी पेन है, क्यूट पेन है, जैसे हाल ही का दर्द है या 6 महीना साल बाद पुराना का दर्द है, तो उस पर गर्म या, ठीक है, ठंडा से सिकाई कर सकते हैं, किसी में से एक ही मरीज से गर्म कभी ठंडा कभी गर्म का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद साबित होता है। मसाज करवाना वैसे तो सभी को पसंद है, बुरा नहीं लगता है, आराम ही मिलता है, तो आप यह तुरंत, ठीक है, अगर आपको सर्वाइकल होती है तो आप इसे आजमा सकते हैं, ठीक है, आजमाइश कर सकते हैं, आराम मिल जाएगा, ठीक है, आराम मिलता है, पर सिर्फ बॉडी पेन नहीं बल्कि सर्वाइकल पेन के दर्द में राहत के लिए आप मसाज करवाना या मसाज का सहारा भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने मसाज का वीडियो डाल रखा है, शॉर्ट वीडियो डाल रखा है, मसाज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और एक्सरसाइज सर्वाइकल पेन का एक्सरसाइज भी मसाज में मैंने बताया हुआ है, ठीक है, अगर मसाज का फुल डिटेल चाहिए, ठीक है, तो मैं अगली वीडियो बना दूंगा मसाज करके अपने हल्की पेन को कैसे कम कर सकते हैं। खूब पानी पिए। जी हाँ, खूब पानी पिए। हम यूं ही नहीं कहा करते हैं कि जल ही जीवन है। जी हाँ, हमारा शरीर जो है अधिकतम 70% पानी है, ठीक है, हमारे शरीर में 70% तक पानी है, मसल्स है, बोन है, ठीक है, और ब्लड है, सारा पानी का ही मिक्सचर है, ठीक है, 70% ही मिक्स होता है, तो क्या करना है, अधिक से अधिक पानी पिए, हमारे जीवन में हमारे शरीर का अधिकतम वजन पानी का ही होता है, पानी से ही होता है, क्योंकि शरीर में होने वाले अधिकांश कामों के लिए पानी बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है, साथ ही हमारे रीढ़ की हड्डी के जोड़ों के बीच में जो डिस्क होती है, जैसा कि वीडियो देख रहे हैं, ज्वाइंट होते हैं, उनमें अधिकतर हिस्सा पानी का ही बना होता है, और ऐसे में शरीर में पानी की कमी से उनकी कार्य क्षमता में कमी हो जाती है, इसलिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, मतलब एक व्यक्ति को दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास 10 गिलास पानी पीना चाहिए, इस स्ट्रेस से बचें। जी हाँ, आप भी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं तभी से स्ट्रेस से बचें, आप भी बचें, ठीक है, आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा कि सर्वाइकल पेन में स्ट्रेस की क्या कमी, क्या जरूरत है। जी हाँ, स्ट्रेस से, ठीक है, वजह हो सकती है सर्वाइकल पेन में, सर्वाइकल पेन की वजह स्ट्रेस यानी तनाव भी हो सकता है, और यह कम से कम 60% मामलों में देखा गया है, इसलिए अगर आपको पेन है तो आपको इस पर और ध्यान देना चाहिए, ध्यान देने योग्य है, और तनाव को कम करने के लिए उपयोगी कदम उठाने की जरूरत है या उठाना चाहिए,
या उठाइए। राइट डे शेड्यूल अपनाएं। जी हाँ, राइट डे शेड्यूल अपनाएं। अच्छी दिनचर्या आपके लिए चीज़ें आसान कर सकती है, इसलिए अपनी दिनचर्या में शारीरिक व्यायाम और सही भोजन को शामिल करें। और अगर आप मेहनत वाला काम करते हैं, तो बिना लापरवाही किए बिना अपने शरीर को भरपूर आराम दें और प्रोटीन विटामिन युक्त खाना पोषण पदार्थ खाएं, खाद्य खाएं। अब हम बताएंगे कुछ फिजियोथेरेपी में, कुछ फिजियोथेरेपी के बारे में, ठीक है, जो आप घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, स्ट्रेच एक्सरसाइज की आदत डालें। ठीक है, स्ट्रेच एक्सरसाइज की आदत डालें, जिससे अपने शरीर को कुछ छोटे छोटे एक्सरसाइज के साथ अपने दर्द से प्रभावित हिस्सों को आराम दे सकते हैं। इनमें कुछ स्ट्रेचेज एक्सरसाइज भी शामिल है। स्ट्रेच एक्सरसाइज करने से शरीर व गर्दन की मांसपेशियां खुल जाती हैं और सर्वाइकल पेन से राहत मिलने लगती है, मिल जाती है। जरूरी आदतें, दोस्तों सर्वाइकल पेन के कारण लक्षण और इलाज जानने के साथ ही आपको कुछ आदतें छोड़नी हैं और कुछ आदतें जरूरी होती हैं। ठीक है, जरूरी तौर पर अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करनी होगी, जैसा कि मैं आगे बता रहा हूँ। ज़्यादा वज़न वाले सामान उठाने की आदत छोड़ दें। वज्रासन, चक्रासन, मत्स्य आसन के अलावा गर्दन को गोल गोल घुमाने का अभ्यास करें, जैसे वज्रासन या चक्रासन। ठीक है, मत्स्यासन ऊपर जो वीडियो में दिख रहा है इसको करें, और इसके साथ साथ गोल गोल धीरे 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 इसको घुमाने की आदत डालें, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये करना है आपको। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर कम से कम 3 किलोमीटर तेज रफ्तार से चलें। अपने ऑफिस से ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में न बैठकर हर एक घंटे के बाद थोड़ी थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेकर थोड़ा सा वक्त निकाल कर इधर उधर टहलने की आदत डालें। अगर आप घरेलू महिला हैं तो ज़्यादा देर तक ना सोएं और घरेलू कार्यों के बीच थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लें, आराम ले लें। बैठकर फर्श पर पोछा लगाने का शौक पालें, इससे काफ़ी आराम मिलता है। जैसे झुक के बहुत लोग लगाते हैं, तो इससे क्या करना, बैठ जाना, आराम से बैठकर पोछा लगाना। इससे क्या है, जब झुक करेंगे, जैसे बैठकर करेंगे, तो इससे स्पाइन सीधी रहती है, जिसमें ज़्यादा गर्दन नहीं झुकता, इसमें आराम मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ध्यान रहे, अगर ये शुरुआती तकलीफ है उसके लिए है, ठीक है, और उसके लिए है, समझ गए। इसमें ध्यान रहे कि शुरुआती है तकलीफ है, तो बेहतर यही है आपके लिए, ठीक है, जो वीडियो में बताया अनुसार, जो हमारे पिछले वीडियो में एक्सरसाइज है उसको कर सकते हैं, ये शुरुआती के लिए है। लेकिन अगर तकलीफ में राहत नहीं मिल रही है, समस्या बढ़ती जा रही है एक्सरसाइज से भी, तो अपने डॉक्टर से या फिजियोथेरेपिस्ट से तुरंत कंसल्ट करें, तुरंत मिले। जैसा कि दोस्तों आज हमने सर्वाइकल पेन के कारण लक्षण पाए और घरेलू उपाय फिजियोथेरेपी आ रहे में कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ठीक है, बताने का प्रयास किया है। अगर आर ऐसी वीडियो पानी है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए कृपया लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।